तो भाई जनता जनार्दन, इससे पहले आज वीडियो शुरू करें कहना चाहेंगे, आज इस धरती पर जो हाहाकार मचा है टरू वालों में, है ना, तो भाई साहब उसको लेकर कहीं ना कहीं टरू वाले गलत नहीं हैं। टरू वालों को ये बिल्कुल भी पचिन नहीं रहा है, हाजमोला की फैक्ट्री खाली हो गई है बॉटल बनाते बनाते, इतना ज़्यादा बिक्री हो रही कि इस बात को पचाए पाए, लेकिन भाई नहीं पच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी बात क्यों नहीं पच रही है, जिज्जी की ब्रेक लेने की। वैसे दर्शकों, यहाँ बात हुई थी जिज्जी की, जिज्जी ने बोला कि मुझे अपने आप को कुछ टाइम देना है और मैं यूट्यूब से ब्रेक लेना चाहती हूँ कुछ समय के लिए, मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती कुछ समय के लिए, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ अपने आप को 5 या 6 दिन या फिर 7 दिन हो सकता, मतलब 1 वीक। सब ने कहा चलो ठीक है, मौका है, दस्तूर है, जिज्जी क्या पता कुछ परिवर्तन करके आ जाए। लेकिन भाई जब बग्गे का ब्रेक हुआ और बग्गे ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट करी, एज़ यूजुअल कुनबे का जब मन होता है छुट्टी ले लेते हैं, ना कोई कम्युनिटी डालेंगे, ना कोई जानकारी देंगे, उनके टरू वाले चाहे चिहार चिहार रोए रोए के प्राण त्याग दें कि कहाँ हो कहाँ हो। बाकी के जो ब्लॉगर हैं, अगर वो कोई छुट्टी लेते हैं या कोई इमरजेंसी होती है या उनके घर पे कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके अंतर्गत वो कुछ समय के लिए वीडियो नहीं बना सकते, तो प्रॉपर या तो किसी वीडियो में अपडेट दे देते हैं या कोई शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं। अगर इन सब में भी कुछ ना करें तो कम्युनिटी तो डाल ही देते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा इंसिडेंस हुआ है और कुछ समय के लिए हम लोग वीडियो नहीं आएंगे, हम अपनी वर्चुअल फैमिली से दूर रहेंगे क्योंकि हमारी फैमिली में अभी हमारी ज़रूरत है फलान ढमाक। लेकिन कुनबा वासियों का इतिहास गवा रहा है कि भाई साहब ये लोग ना हमेशा हमेशा ऐसा ही करे हैं, का इनका एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि भाई साहब जब इनको लगता है कि ये चीज़ हमको जनता तक नहीं पहुंचानी है, जनता से पहुंचने से ऐसा ऐसा इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर सब्सक्राइबर्स को ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हालांकि देर सवेर पता चल जाता है या तो फिर भूले भटके इनके मोहन से निकल जाता है, जैसे कि लास्ट बर्थडे जो चिंटू का था अमृतसर में हुआ था, लोग तमाम पूछते रहे और सब लोग इनसे कई जगहों पे कमेंट करके पूछे कि लास्ट टाइम आप लोग कहाँ गायब हो गए थे, नहीं बताया, एकदम से फ्लो फ्लो में छुटकनी इतने दिनों बाद बोली। तो आने वाले टाइम में खुल जाएगा, ये राज भी खुल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अब क्यों नहीं खुलेगा आप सबको पता है, क्योंकि अभी उनको छुपाना है। देखिए सबसे बड़ा तर्क ये दिया है सब्सक्राइबर्स ने कि अभी जो ऋतु चल रही है, मतलब ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, पैसा कमाने के, डॉलर छापने के, ऐसे में कोई मूर्ख ही होगा जो कि कुनबा वासी डॉलर्स के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाके कंटेंट दिखाते हैं, तमाम तरह के चीज़ें प्ले करते हैं, तो ऐसे टाइम पे जब लगातार जनता जनार्दन सब्सक्राइबर्स इनको देख रहे थे, इनके शटर जाए जाए खोल रहे हैं कि कोनो नया माल आया, कोनो नया प्रोडक्ट आया, पर भाई साहब शटर में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा मिल रही है, मतलब किसी प्रकार का कोई नया माल नहीं आया, गायब हैं ये सब। तो सोचने वाली बात है कि ऐसे में जिज्जी हमार ब्रेक, अरे पगलाए गए हो का, जिन भी उसके लिए साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं, जिन भी उसके लिए भाई सब किसी भी लेवल तक लोग जाते हैं, वो वीडियो नहीं डालेंगे इस समय, नहीं डालेंगे, बड़ा रीज़न, कोई बड़ा प्लान। तुम सबको अगर ये लग रहा कि वाकई में जिज्जी अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो तुम्हारे साथ छलावा हुआ है टरू वालों, जी हाँ, तुमको गुमराह किया गया, सही जानकारी अभी भी तुमको नहीं दी गई है। बग्गा का ना आना इसका सबूत है, बग्गा और छुटकन्नी जिज्जी दोनों एक साथ गायब हैं हैं हैं। अगर तुम डॉट से डॉट मिलाओ तो तुमको रास्ता मिल जाएगा कि ऐसा काहे हुआ है। रास्ता भी ना ऐसा आसान सा है, जो कि 95% ये पॉसिबल है, 5% कुछ और चीज़ हो सकती है। जैसा कि हम सबको पता है कि विगत दिनों में बग्गी की माता जी बीमार थी और बग्गी उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि उनको ऐसी समस्या हो गई है, माइग्रेन की भी है और एक कोई प्रॉब्लम है, तो उसका कहना था कि इस बार हम जाएंगे चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन हम सही कराए के ही आएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो भाई जनता जनार्दन का कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो बग्गा और बग्गी हैं ये चले गए हैं बग्गी के घर, यानी कि बग्गा गया है ससुराल
और छोटी जीजी को भी साथ में लेकर गए हैं, क्योंकि विगत दिनों में सारी चीज़ें हुई हैं उसके अंतर्गत मम्मी जी और छुटकन्नी जिज्जी की बड़ी जिज्जी मतलब झूठ की दीवानी ने बोला होगा कि देख तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी, लेकिन ना छुटकन्नी को लेकर जा। अब पिछली बार जैसा कि ये लोग गए थे तो जनता जनार्दन ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था कि भाई जब देखो तब मुँह उठा पूरे लोग कैसे आ जाते हो। अब जाहिर से बात है कि इस समय तो बग्गी की अम्मा है बीमार, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जब समस्याएं होती तो इंसान अपने आप को कितना लाचार फील करता है बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में से अगर किसी ने ऐसा फील किया होगा तो आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जी हाँ, 95% ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बग्गी को जाना था, उसका कहना ये था कि भाई मम्मी जी आ जाएं तो हम चले जाएं। बग्गा ने भी यही बोला था कि ठीक है मम्मी को आ जाने दे फिर तू चली जा, लेकिन भाई साहब मम्मी को आने में टाइम लग रहा है, मम्मी जी के भी खाने घूमने फिरने के दिन हैं, मम्मी जी जब अपना घूम फिर लेंगी ज़िंदगी को जी लेंगी, है ना, का पता भाई साहब हैं। अब जिज्जी दोबारा हमारे इतनी जल्दी ले जाए या ना ले जाए, पैसा का पेड़ पे उगते हैं, मुंह पे उगते हैं, झूठ बोल बोल के उगते हैं, है ना, पेड़ पे इनके बारे में नहीं बोल सकते, है ना। तो इस समय सारी सुविधाओं का लाभ, सारी खुशियाँ और सारे सुकून सब कुछ हासिल करके ही हमारी जिज्जी की मम्मी आएंगी। यहाँ चाहे जी की तबीयत ख़राब हो, चाहे जी का हाल बेहाल हो, मम्मी जी अब ही नहीं आएंगी। तो ये जो सब चल रहा है, बस यही कहना चाहूँगी कि ये सारे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो भाई आपको हो सकता है बैड फील हो, पर 95% यही सच्चाई है कि हमारी जिज्जी फिर से एक बार अपनी भाभी की मायके पहुँच चुकी है और बग्गा भी पहुँच चुका है। आने वाले टाइम में कभी ना कभी इनके मुंह से निकलेगा ज़रूर ये चीज़, क्योंकि भाई अब अगर ये दिखाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को टारगेट करेंगे कि यार तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम इस प्रकार से कैसे कर सकते हो, हैं, तुम वहाँ पर चले गए, ऐसा काहे किया, मम्मी बीमार है सिर्फ बग्गी को भेजाते। तमाम सब्सक्राइबर बार बार लगातार यही बोल रहे थे कि अगर हो सके ना तो सिर्फ बग्गी को छोड़ देना या अपने भाई बंधु किसी को बुला ले बग्गी और चली जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मम्मी जी बीमार है। अब इतने सारे मेहमान, कोई कितना कहे कि हम घर की तरह रखेंगे, लेकिन भाई कहते हैं दामाद और दामाद की फैमिली को स्पेशल फील कराया ही जाता है, हमारे कल्चर है ये इंडिया के। तो भाई और वो फैमिली भी थोड़ा एजुकेटेड है, ऐसा नहीं कि जब इनके घर में मेहमान आवाएँ तो भाई पटना चले जावाएँ या फिर बाहर से खाना से बढ़ा दें, हैं पराठा वो बैठ के खुद बनावें, ऐसा कोई सीन है नहीं। तो कुल मिला के अब अगर दिखाते तो जनता जनार्दन ट्रोल करती कि भाई उसका बहन का भेज देते हो, हैं, मतलब जो जिज्जी अपनी बहन लेके आई थी, बेटी लेके आई थी, उसका भेज देते हो, तुम लोग कहाँ लटक बन के चले गए, वो भी बीमारी हारी में कौन जाता है यार। तो भाई अब हो सकता है कि बग्गी को वहाँ छोड़ के हमारे जिज्जी और बग्गा चले आवाएँ दो चार दिन में। अब बग्गी जब तक मम्मी जी की बीमारी ठीक नहीं होगी, हो सकता है उधर थोड़ा सा आराम करें। होने को 95% यही चांसेस हैं, क्योंकि तमाम जनता जनार्दन ने यही लिखा है कि बग्गी और कहीं नहीं गई है, बग्गा और बग्गी के वीडियो ना आने का वजह भी यही है कि ये सब साथ में ही हैं, और जहां तक हो सकता है कि बग्गी की जो माँ बीमार है वहीं पर गए हैं, मतलब बग्गी के मायके। तो भाई सबका मत यही कह रहा है, जैसे कि जनता जनार्दन गेस मारती है, और अगर ये घर पे होते तो चलो ठीक है हमारी जिज्जी का ब्रेक था, पर बग्गा तो ब्रेक नहीं था, हैं, और हमारे बग्गा और जिज्जी ऐसे लोग हैं ये कि जब व्यूज़ आ रहे हों तो व्यूज़ के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे, जब तक कोई बहुत बड़ा रीज़न ना हो, बहुत बड़ा उद्देश्य ना हो, बहुत बड़ा मकसद ना हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात ना हो जिसको छुपाना बहुत ही ज़रूरी हो। तो इस वजह से हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ इस बात की हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बग्गा बग्गी हैं, अब ये घर पे हैं या बाहर है, या फिर हमारे जिज्जी भी बाहर है, बाहर जाने को जा सकते हैं एक दो दिन के लिए, क्योंकि जिज्जी का ना हरदम का ये है कि भाई जब जिज्जी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है तो उसको कहीं घुमा दो, उसका मन बहला दो। नहीं नहीं, जिज्जी पूरा पैसा लगाती है, ऐसा नहीं भाई साहब, कहीं जाती है या हेयरिंग पिन सबको ले जाती है, तो जैसे पेट्रोल वेट्रोल बाकी की चीज़ें भी हमारी जिज्जी करती है, ऐसा नहीं कि फ्री में लोग जाते हैं, भाई पूरा पैसा खर्च करती है तब जाती है। तो ये भी पॉसिबल है कि घूम घुमाए कि बग्गी को उधर छोड़ के और इधर चले आवें,
दोनों रीजन में से और कोई तीसरा चौथा रीजन नहीं है। अगर बग्गा बग्गी घर में होते तो भले जीजी हमारे ब्रेक पे थी, पर बग्गा बग्गी के वीडियो ज़रूर आते। क्योंकि देखिए, बग्गा बग्गी का वीडियो ना आने का कोई और रीज़न है ही नहीं, छुपाने का कोई और रीज़न है ही नहीं इसके अलावा। बाकी अगर बड़कन्नी जीजी यहाँ पर होती तो उनके भी वीडियोज़ नहीं आ रहे होते, क्योंकि ऑफकोर्स साथ में जैसे करवा चौथ का व्रत पालन कराने पूरा कुनबा साथ गया था, ऐसे ये भी चल सकते थे, चले ही जाते, रहते थोड़ी। अब उधर से लिफाफे मिलते हैं, है ना, विदाई सिदाई मिलती है तो जाते वहीं पर। जिज्जी से याद आवा कि भाई कल जिज्जी ने जाने अनजाने में बोला कि मम्मियों को ट्रेनिंग कर रही, ट्रेंड कर रही है। अब तमाम लोगों ने उस बात को बतंगड़ बना दिया है कि देखो ये ट्रेनिंग देती है या एक्स्ट्रा क्लास देती है। तब इनसे ना इनके घर में क्रियाकलाप ऐसे होते रहते हैं। एक लोगों ने तो लिख दिया परेतिन को भी ट्रेनिंग सही से नहीं दी थी तभी से आज उसकी यह हालत हो गई है। अरे नहीं बहन, यहाँ पर तुम गलत हो। परेतिन को ट्रेनिंग दी थी लेकिन देखिए अपनी अपनी सुविधा अनुसार ट्रेनिंग होती है। अपने लिए दूसरे मापदंड हैं, मम्मियों के लिए दूसरे मापदंड हैं, परेतिन के लिए दूसरे मापदंड। सिर्फ गलती कागजी जिज्जा की एक ही है, क्योंकि उन्होंने ना हमारी जिज्जी को महत्व तो नहीं दिया। हमारी जिज्जी को उन्होंने भाई पहले अपने बच्चे का वीडियो नहीं बनाने दिया, बहुत सारी चीज़ों को उनका पालन नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी जिज्जी रिसी आ गई है। तो ट्रेनिंग का ही नतीजा है जो परेतिन आजकल कर रही हैं। अगर आउट ऑफ ट्रेनिंग होती, खुद का दिमाग लगाती या कोई ढंग का इंसान समझाने वाला होता, जैसा बग्गा अभी समझदारी वाली बातें कर रहा है, तो अगर पहले ही सारी बातें करा होता तो आज रिजल्ट भाई साहब कुछ और होता, यू रिजल्ट ना होता जो तुम सब देख रहे हो। हैं, समझ गए ना। और जो टरू वाले बोल रहे हैं कि हिमाचल मम्मी भेज दो, चाहे तो तुम चले जाओ, इतने दिन हो गए हैं तुम हिमाचल काहे नहीं गई हो, तुम्हारे बिना सब वहाँ बेकार है, परेतिन अकेले परेशान है, तुम्हारे वहाँ सख्त ज़रूरत है। अब भाई साहब ये हमारी जिज्जी के टरू वाले हैं, लेकिन हमारी छुटकन्नी जिज्जी के टरू वाले बोल रहे हैं खबरदार जिज्जी, अगर तुमने हिमाचल की धरती पर कदम रख दिया, क्योंकि ना अभी तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, जो चीज़ें हो रही हैं उनको होए दो। क्योंकि देखिए जो वीडियो में दिखाया गया है उस पर सबको यही लग रहा है कि हाँ कुछ पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन मौन वाली स्टोरी बहुत कुछ बोल रही है। छुटकन्नी जिज्जी की कल वाली स्टोरी बहुत कुछ बोल रही है। अब जिज्जी हमारे जावे या ना जावे, सब्सक्राइबर्स आप समझिए इस बात को, दूर संचार यंत्र है जिससे पहले भी तहलका मचा था जब शादी हुई थी, और उसी दूर संचार यंत्र के माध्यम से अभी भी तहलका मच रहा है इनकी सबकी जिंदगानी में। आपको क्या लगता है कि जिज्जी यहाँ पर नहीं आएगी हिमाचल, तो वो फ़ोन के माध्यम से हमारी बड़कन्नी जिज्जी को कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकती जैसा कि मम्मियों को ट्रेनिंग दे रही है? हैं भाई, थोड़ा दिमाग लगा लो यार, आप लोग इतने इनोसेंट ठीक नहीं लगते हो। इसी का बोल सकते हैं, इस दुनिया को का बोलेंगे भाई साहब, जंजाल वाली है, जिसमें भाई ऐसे ऐसे खुरा पेची लोग बैठे हैं ना कि जितना तुम सोचना नहीं शुरू करोगे उससे कई गुना उनके अलग रूप होंगे, समझ रहे हो। और एक लोगों ने तो भैया जिज्जी के हमारे मज़े ले लिए, उनका कहना है कि बहुत दिन हो गया मम्मी घर मिस करें, मम्मी को तुरंत तुरंत जाने दो, और ज़्यादा स्टाइल मार के जो तुम गाड़ी चलाती हो तो सिर्फ खाली रोडन पर चला पाती हो, दम है तो कबो शहर में ले जाओ, सिटी में चला के दिखाओ, हाय दैयर दैया। इनका कहना है कि देखिए लेडीज़ कैसे कॉन्फिडेंस से भीड़ भाड़ पर हाईवे पर चलाती हैं, मैं खुद ड्राइव करती हूँ हर जगह। तो भैया ए जिज्जी, जो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गाड़ी की जानकार कहती थी ना, एक बार जिज्जी ने कानपुर IIT में बोनट खोला था गाड़ी का, और ऐसे दिखा रही थी करके, हर लड़की हर लेडीज़ नहीं खोल पाती है, हैं लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, वाह एक लड़की बोनट खोले कड़े साफ सफाई कर रही, मतलब इसको नॉलेज है। भाई जिज्जी ने उस टाइम जो बोला था कि ऐसा लग रहा था कि इस पूरे गोले में हमार जिज्जी ऐसी इकलौती महिला ड्राइवर है और महिला गाड़ी जानकार है जो बोनट खोल के खड़ी है, उसमें साफ सफाई में हाथ सहयोग बटा रही, हाथ दे रही। और तमाम लोग भाई साहब, जो जिज्जी ने बोला था कि मैं एक मिथ तोड़ने वाली हूँ और बहुत लोगों के विचार बदल जाएंगे, बहुत जल्द प्रोसेस में है, बहुत जल्द मैं आपको बताऊँगी, और इस बार मैं पहले नहीं बताऊँगी, जब 100% मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं बताऊँगी। तो तमाम लोग भाई वही बोल रहे हैं कि या तो तुम अडॉप्शन करने वाली हो, या भाई साहब तुम ना सिर्फ कंटेंट है, और या फिर IVF वाले प्रोसेस में जाने वाली हो। देखिए इन पे भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वाले प्रोसेस को लेकर इन्होंने कई बार कंटेंट बनाया है,
जब हमारा जिज्जी किसी प्रोसेस में आ जाए, जब उसका कुछ रिजल्ट आ जाए, तो समझो कि ऐसा है। तुम लोग इतना ज़्यादा उसको पहुँचो ना, तमाम लोग तो भैया सोहर ओहर सुनने लाग हैं कि जब जिज्जी का लड़का होगा या बिटिया होगी तो हम सोहर गाएंगे। सुन लियो और सीख लियो। हो सकता पास पड़ोस में काम आ जाए, कहे कि जिज्जी हमारी इतनी जल्दी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती है। अब ये लोग नहीं मान रहे तो हम कुछ समझा तो सकते नहीं, बस बोल नहीं सकते हैं। और एक शेर व शायरी वाली मोहतरमा है भाई, इनका कहना है कि परेतिन के भी वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था और आपको भी मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। उनका कहना है, इंसान ज़रूरी हो तो बातों को भूल जाओ, और अगर बात ज़रूरी हो तो फिर इंसान को भूल जाओ। वाह जी वाह मोहतरमा, आपने जो भी लिखा है मैं आपको कहना चाहूँगी, बहुत ही उम्दा बात लिखी है। देखिए कागजी पते के लिए तो जो ज़रूरी है वो आगे फॉलो कर लेगा, लेकिन ये चीज़ हमारी छुटकन्नी जिज्जी को नहीं समझ आ रही है। उनको तो बस ज़िद है। जिज्जी का कहना है, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, अगर मैं अपनी ज़िद पे आ गई ना तो दुनिया जहान में घर परिवार में कौनों की ऐसी ताकत नहीं है जो हमको ना डिगा सके। क्योंकि मैं फिर ज़िद में वो करके रहती हूँ जो ठान लेती हूँ। अब जिज्जी ने कुछ और ही चीज़ ठाना है कि मम्मी जी अपने लौंडे का झुकाएंगी, हम अपने लड़का का प्यार मोहब्बत मम्मी जी के लिए दिलवाएंगे। अब उस चीज़ में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कितनी नहीं, वो तो आप लोग जानते हो। और जो मम्मी जी ने ट्राई अगेन बोला था ना, तो भाई उसको लेकर तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी को लगता है कि मम्मी जी कह रहे हैं कि मेरी बहुरिया के ऊपर ट्राई अगेन करो, और कुछ लोग जो रियल समझ गए हैं तो बच्चे से मिलने को ट्राई अगेन यहाँ पर मम्मी जी ने बोला था। उस चीज़ को लेकर भाई टरू वाले अलग ढोल वोल बजा रहे हैं। ना स्पीटो, तुम्हारे सबका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मापदंड नहीं, और ना ही तुम्हारा कोई स्टैंड है, ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। कबो कबो जाके इन लोगों का गरियाए आते हो, कबो कबो माफ़ीनामा मांगाते हो, और जिज्जी जैसे पलटती तुम सब पलट जाते हो। अगर माफ़ीनामा किसी ने मांगा है किसी से, तो वो मीन तो करेगा कि नहीं भाई हमने तुमसे माफ़ी मांगा, हो सकता मैंने कुछ भला बुरा कह दिया। अरे भला बुरा, आप लोग ऐसा ऐसा गंध लिख कर जाते हो कि इसको बिना पढ़े डिलीट कर देते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देते हैं, कि पता है कि ऐसी चीज़ को पढ़ने से कतई मूड ख़राब करना कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का विचार और शब्द मिलते नहीं हैं, लिखते वही हैं जो दिमाग में होता है। दिमाग में कहाँ होता है, गंध। ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि भाई सुन लो तो हालत ख़राब। खैर जो जैसा होगा वैसे शब्द चयन करेगा, उसमें हम कहाँ बोल सकते हैं। तो कृपया करके जो ट्राई अगेन था उसको ट्राई अगेन सही से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। धूप वाला एग्जांपल एक बार फिर से जाके देख लीजिए। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तभी अच्छी लगती है, जब धूप की ज़रूरत होती है तो धूप, जब छाँव की ज़रूरत होती है तो छाँव, जब बीबी की ज़रूरत होती है तो बीबी। आगे ये मेरा सेंटेंस है, जब पैर टूटा था तब बीबी नहीं थी, जब माता जी काफ़ी दिनों तक बीमार लाचार रहीं तब बीबी नहीं थी, कितने ऐसे सिचुएशन आए तब बीबी को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ। आज जब लगा कि वो बंदा मेरी तरफ से हट गया और मेरा साम दाम दंड भेद नहीं पूरा होगा, तब आज दूसरे तरीके से यहाँ पर इमोशनल ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि कितने दिन तक इनका ये रहेगा। मैंने कल भी कहा था आज भी कह रही हूँ, अगर दिल से बदली है, दिमाग से अगर खेल रही है तो ऊपर वाला जो दोनों के लिए अच्छा हो तभी करे, और अगर वो दिल से बदली है, दिल से घर बसाना चाहती तो ऊपर वाला उसका साथ दे, लेकिन अगर कोई गेम खेल रहा है तो ऊपर वाले उसको सक्सेस मत होने देना, क्योंकि वो ये फैमिली काफ़ी दिनों से पीड़ित रही है। माता जी ने ना चाहते हुए भी ना जाने क्या क्या सुना है, ना उनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है तो भी उनको इतने इतने इल्ज़ाम लगे हैं इस एज में हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि वो दोबारा से परेशानी वाला जीवन ना जिए, जो इन सब के लिए हितकर हो ईश्वर वही फैसला करे। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगी, आज के दिन इस गोले पे हम आए थे हैं, मतलब आज है हमारा जन्म दिवस, तो अगर चाहो तो भैया हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो, वैसे कहाँ मनाएं हैं भैया, ज़िंदगी का एक साल कम हो गया अगर नेगेटिव तरीके से देखो। अगर पॉजिटिव तरीके से देखो तो ये सोचो ना कि भाई हमने एक साल और ज़िंदगी जी ली है भगवान ने, भैया बिना कोनो इलाज पाने के, बिना कोनो दवा दारू के सक्सेसफुल लाइफ चलाई है, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, ये भी बोल सकते हैं। तो चलो जी अभी हम चलते हैं, अभी फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने कुछ सेलेक्ट किया ऑफिस के जो स्टाफ हैं उन लोगों ने, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी के लिए इतना ही, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब,
और जाने से पहले हमारे लिए लिख सकते हो हैप्पी बर्थडे अगर यहाँ तक देखा है तो, अदरवाइज अगर नहीं देखा होगा तो तुम्हें पता ही ना चलेगा कि हमारा बर्थडे है आज। हाँ, कमेंट अगर किसी ने लिखा तो तुम ज़रूर जान जाओगी, हैं पहला वाला देख के। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।